चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए, और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। क्वेश्चन नंबर 1 है 14.3 का, हमें इसको राइट हैंड साइड को हमें इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करना है, इन फॉर्मूला यूज करना है आपको सिंपल। पहले लेंगे हम इधर वाली साइड जो होती है लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड है उधर की साइड, तो पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा है cos थीटा इंटू क्या दे रखा है tan थीटा, इसको करना है सॉल्व और ये लेके आना है। तो सिंपल है, पहले आएगा आपके cos थीटा, और tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos क्या हो गया है tan से, तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है sin थीटा आ गया है इसका आंसर, ये हमारे किसके बराबर हो गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसका वैल्यू इसके बराबर करना है, तो पहले क्या लेंगे हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, ध्यान देना, अगर मैं साइन को उधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या आएगा 1 - sin हो जाएगा, और अगर साइन हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगा आपके cos बचेगा, इसका मतलब क्या होता है आपके cos स्क्वायर थीटा होता है इसका मतलब। अब ये tan का मतलब ये रहा, क्या लिखोगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं है ना तो नहीं लगाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर ये कॉस और कॉस कट गया तो आंसर क्या आया इसके बराबर, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, इसको सॉल्व करना है और ये वैल्यू लेके आना है, क्या करेंगे सबसे पहले हम लेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, और यहाँ ऑलरेडी साइन कॉस में है, ज्यादातर को आपको साइन कोस में ही चेंज करना होता है, तो ये ऑलरेडी साइन कोस में है, हम क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे, साइन साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या है आपके कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ कुछ नहीं है तो डिवाइड गया साइन टाइम साइन टू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉस प्लस साइन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, जब भी दोनों पर स्क्वायर हो और दोनों सम करना हो तो इसका वैल्यू होता है आपके 1 अपॉन साइन थीटा, 1 by sin, अगर ये यहाँ आता है तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो 1 upon sin का वैल्यू है, ये वैल्यू है cos का वैल्यू है, तो ये जो आंसर आया है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। क्वेश्चन 4 दे रखा है, इसका स्क्वायर और यहाँ दे रखा है पीछे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू 2 होगा, तो पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वहाँ वाइट हैंड लगाएंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस रहेगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ये भी क्या रहेगा आपके माइनस रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना है, इसका आपको यूज करना है साइन प्लस कॉस। अब देखो साइन प्लस कॉस का मतलब क्या होता है, ये लिखना है आपको, क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 × साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया इसका। अब यही चीज आपको इसकी लिखनी है, तो यहाँ क्या आएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ प्लस प्लस लिखा है माइनस हो तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 sin θ cos θ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये पूरी लाइन है, कंप्लीट सीधी लाइन है, ये वाला प्लस में और ये वाला क्या है आपके माइनस में कट गया। अब यहाँ पर आपके ये और ये एक साथ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों साथ में लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, उसका वैल्यू भी कितना होता है 1, और 1 और 1 कितना हो गया आपके 2 हो जाएगा, ऐसा करने को। सवाल नंबर 5 देर का है, इसका वैल्यू इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, देखो ये सेम क्वेश्चन क्लास 10th में भी है आपके, तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर cos थीटा की घात कर देते हैं यहाँ पर 3, देखो 6 घात टोटल, क्या करें ध्यान देना, 2 यहाँ कर देंगे और 3 बाहर कर देंगे, यहाँ भी यही चीज यहाँ करते हैं हम, cot यहाँ आएगा स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर क्या आएगी घात 3 आएगी, और जब घात 3 आती है तो नियम क्या लगता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होता है a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू। अब हम क्या इसको जमाएंगे, इसमें आपका ए जो है ना वो कोसेक स्क्वायर है, बी है वो क्या है
कॉट स्क्वायर है, तो हम ऐसा लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा यहां पर होल स्क्वायर प्लस, अब यहां आएगा आपके दो इंटू क्या आएगा कोसेक थीटा भी आएगा स्क्वायर थीटा और साथ में हाँ दो नहीं आएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये आ गया आपके यहाँ दीजिए वापस से कोसेक स्क्वायर थीटा भी आएगा एंड कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमारा कॉट स्क्वायर है और वो एक कॉट स्क्वायर भी है और कोसेक स्क्वायर भी है, पीछे क्या आएगा आपके कॉट स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है हमेशा वन, देखो अगर मैं उसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और कोसेक माइनस कॉट का मतलब क्या होता है आपके वन होता है, तो इसका मतलब हो गया है आपके वन। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक बार तो ऐसा दे दिया, हमें कितनी बार करना है थ्री टाइम करना है, तो देखो आपको क्या करना है ये ए स्क्वायर मेरे पास दे रखा है बी स्क्वायर मेरे पास दे रखा है, मुझे क्या करना है इससे और इससे मिलाकर, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, मुझे ए स्क्वायर बनाना है बी स्क्वायर बनाना है और बीच मुझे क्या लाना है टू ए बी लेके आना है। अगर मैं ऐसा लेके आया या अगर मुझे यह माइनस लेके आना है माइनस में भी ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस में है इधर, तो माइनस में जैसे होता है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है वन होता है, हम क्या करेंगे इसको माइनस बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या होगा ए माइनस बी का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं देखो इसका वैल्यू कितना हो गया आपके वन, ये कट गया। अब यहाँ ध्यान देना जो ये वैल्यू दे रखा हम क्या करेंगे यहाँ क्या लेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, फिर क्या दे रखा आपके यहाँ लिखते जो जगह यहाँ लिखते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, मैंने ये भी ले लिया और मैंने ये भी ले लिया, मतलब मैंने ए स्क्वायर भी ले लिया और मैंने बी स्क्वायर भी ले लिया, अब मुझे बीच में क्या लाना है टू ए बी लाना है, क्या लेना है टू ए बी, वो भी लाना है माइनस का लाना है क्योंकि माइनस का होने पर ही वन बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस का लेके आएंगे। अब ये लिखेंगे टू, ये ए है और ये बी है, तो ये रहा ए और ये रहा आपका बी, बताओ पहले एक ही था क्या, कहीं भी नहीं था और हमने एक्स्ट्रा लेके आए, तो जितना हम लेके आए ना माइनस किया ना जितना उतने हम क्या कर देंगे यहाँ वापस से क्या कर देंगे यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, जितना हमने माइनस किया उतना हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, जब हमने ये वाला लिया और ये वाला ले लिया और इसको इसको मैंने दो बार माइनस भी किया और दो बार प्लस भी किया, अब बचा ये वाला, वो वाला आपके यहाँ आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या हो गया आपके कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं लिखा था ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रहा ए और ये रहा बी, तो यहाँ क्या आएगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये एक बार तो है पूरा प्लस में और ये दो बार प्लस में, यहाँ एक बार पूरी लाइन जो यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ कितनी बार लिखी हुई है टू टाइम लिखी हुई है, तो वन और टू कितना हो गया आपके थ्री टाइम कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है अभी मैंने बताया था, वैल्यू कितना होता है वन, तो यहाँ हमें लिखना है वन प्लस क्या लिखा हुआ है थ्री कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया इसका वैल्यू, तो हमें पहले इसको ऐसे जमाना है इसका वैल्यू वन हो जाएगा और इसको वापस से ऐसे लिखेंगे और हमें बस ये क्या करना है ये वाली चीज़ एक बार माइनस भी करनी है और एक बार प्लस भी करनी है, प्लस करेंगे ताकि थ्री बन जाए और माइनस करेंगे ताकि इससे ये आंसर आ जाए, मतलब ऐसा दिया हुआ हो तो उसका आंसर ये हो जाए, तो हमने ये बना दिया इसका वैल्यू कितना होता है वन होता है और ये आपके वन टाइम टू टाइम और ये वन टाइम कितना होगा टू प्लस वन थ्री टाइम हो गए, वैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन सिक्स देर का है, इसको सॉल्व करना है और हमें लेना है सेक थीटा, हमें इसका वैल्यू निकालना है, पहले क्या लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अब तो यहाँ पर साइन है यहाँ साइन नहीं है लेकिन यहाँ पर हाँ यहाँ कॉस है यहाँ कॉस नहीं है लेकिन यहाँ पर कॉस, क्या करेंगे कॉस को नजदीक लेके आएंगे, तो यहाँ क्या होगा ध्यान देना साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इसको है ना यहाँ नजदीक लेके आ जाओ यहाँ पर ताकि कॉमन लेन थोड़ा इजी हो जाए,
कॉस की पावर 3 थीटा प्लस क्या आएगा आपके टेन थीटा एंड क्या आ जाएगा साइन थीटा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, कैसा क्वेश्चन है कैसा करना है, थोड़ा इजी करना हो तो। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉस थीटा आ गया कॉमन, तो यहाँ कॉस कट गया, यहाँ क्या बच गया आपके साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और यहाँ पर कॉस कट गया तो फिर भी आपके कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। टेन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या होता है यहाँ पर आपके साइन थीटा, इसको अलग सॉल्व करना है। अब ये तो कॉस है ही है, अब यहाँ ध्यान देना है कॉस प्लस साइन का वैल्यू कितना होता है यहाँ पर वन, अब यहाँ मल्टीप्लाई करने कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब चाहे कॉस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ लेते हैं एलसीएम, क्या एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम कॉस थीटा, वन का डिवाइड जाएगा इसमें कॉस टेन, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट गया कॉस टू कॉस, तो ऊपर क्या आया आपके साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू मैंने अभी बताया था कितना होता है वन होता है अपॉन कॉस थीटा। कॉस का उल्टा ये अगर यह आता कि यह आता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व करना है इसके ये लेके आना है, तो ध्यान देना पहले। सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, हमें सारे वैल्यू को साइन कॉस में चेंज करना होता है, यहाँ ऑलरेडी साइन कॉस में है, ये दोनों नहीं है, इनका वैल्यू यहाँ पर ऐसा चेंज करेंगे हम, तो क्या होगा देखो कॉस थीटा कॉस है ये अपॉन वन माइनस टेन का मतलब क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मेन लाइन आपका ये है तो इसके सामने हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ये रहा वो मेन लाइन, ये आएगा साइन थीटा, ये हो गया वन माइनस कॉट का मतलब क्या होता है आपके कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ऊपर तो दे रखा है आपके कॉस थीटा, और यहाँ हम क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा आपके कॉस थीटा, कॉस बन जा कॉस थीटा माइनस कॉस कैंसिल हो गया तो क्या आया आपके साइन थीटा। अब वैसे यहाँ करेंगे हम जो साइन थीटा दिया है ये, अब हम किसने क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आता है आपके साइन थीटा, साइन बन जा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको कर देंगे उल्टा, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा देखो ध्यान देना, उल्टा करते ही जो कॉस कॉस क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उल्टा करेंगे ना कॉस ऊपर चल जाएगा, जिससे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देना इसको उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसा यहाँ है वैसे अगर यहाँ लेके आना है, मतलब अगर यहाँ कॉस प्लस का है लेकिन यहाँ कॉस प्लस में आपके, अगर आपको कुछ चेंज करना है क्या करना पड़ेगा हमें अगली वाली लाइन में यहाँ पर साइन क्या कर देना है चेंज कर देना है, जैसे साइन चेंज करते हैं तो यहाँ क्या आएगा आपके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा जैसे हम साइन चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा आपके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमें यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा जिससे कि हमारा साइन माइनस में बन जाए और कॉस प्लस में बन जाए। अब देखो ये दोनों सेम है, ऊपर वाले भी क्या आएंगे सेम आएंगे, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर दोनों में स्क्वायर है बीच में साइन कौन सा है माइनस में, तो क्या आएगा एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम एक बार को लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस में और एक बार लिखेंगे दोनों को ही माइनस में अपॉन क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब माइनस वाला हो गया कैंसिल, पीछे का बचा हमारा कॉस और साइन ये रहा, अब चाहे आगे दोनों प्लस के है ना तो दोनों में कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसे हम सिद्ध कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको प्रूव करना है इसके बराबर, वही फॉर्मूले जो पहले लगाए थे 7 है उसी को आपको यूज करना है। पहले तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, दोनों एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा देखो आपको एलसीएम लेना है,
तो यहाँ क्या आएगा आपके कोसेक थीटा माइनस वन भी आएगा और कोसेक थीटा प्लस वन भी, ये दोनों क्या आएंगे आपके एलसीएम आएंगे। अब ये और ये हो गया कैंसिल, तो क्या करना है इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक इंटू वन कोसेक थीटा प्लस। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक इंटू वन, तो ये आएगा कोसेक थीटा। अब ये माइनस का नहीं, प्लस का, एक प्लस का एक माइनस कट गया, कैंसिल हो गया, और ये वन वन कितना हो गया टू टाइम कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस वन, एक बार तो दोनों दे रखे हैं माइनस में, एक बार दे रखा है प्लस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों का क्या आएगा आपके स्क्वायर, और वन का स्क्वायर कितना होता है वन। अब यहाँ तो हो गया है टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक में से अगर वन घटाते हैं, वन माइनस करते हैं, तो वो आता है आपके कॉट स्क्वायर थीटा आता है, कोसेक माइनस वन फॉर्मूला है, कल लिखवाया था सारे फॉर्मूले उसके हिसाब से, या पहले लिखवाया था ये थी साथ था उसमें। अब टू का टू, कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है वन अपॉन साइन स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, और कॉट का मतलब होता है आपके कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है टू और आगे बचा है वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टू का टू, कॉस का उल्टा करेंगे ना तो क्या बनता है आपके सेक स्क्वायर थीटा, जो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपके, इसको इसके इक्वल करना है, अगर इससे हमें कॉस साइन बनाना है, कॉस साइन बनता है वन माइनस साइन, वन माइनस कॉस से बनता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना, हमारे पास दे रखा है साइन थीटा अपॉन वन माइनस क्या दे रखा है आपके कॉस थीटा, अगर मुझे यहाँ साइन लेके आना है तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कैसे करता है, जब एक बार होगा माइनस का और एक बार होगा प्लस में तब होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है सेम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन साइन क्या होना चाहिए यहाँ आपके प्लस होना चाहिए। अब ऊपर गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दिया आएगा साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा आता है, यहाँ पर क्या है एक बार है माइनस में एक बार है प्लस में, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस माइनस। अब ये तो है आपके साइन थीटा और यहाँ दे रखा है वन प्लस कॉस थीटा, और वन माइनस कॉस का मतलब होता है आपके क्या साइन स्क्वायर थीटा होता है, जैसे कॉस माइनस करेंगे तो साइन आएगा और साइन माइनस करेंगे तो कॉस आएगा, साइन यहाँ भी और यहाँ भी है तो ये कैंसिल हो गया एक, तो हमारा आंसर आया है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दे रखा है इसका वैल्यू ये लेके आना है, ये टेंथ में भी है और ये आपके भी लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या है ध्यान देना, ये वैल्यू देगा दोनों को हमें ऐड करने पर ही आता है, तो यहाँ ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम क्या लेंगे केवल एलसीएम लेंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा, वन प्लस कॉस थीटा एलसीएम आएगा और साथ में क्या आएगा साइन थीटा भी, ये और ये हो गया कैंसिल, तो इन दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये हो गया कैंसिल, तो इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर सेम है बिल्कुल, तो यहाँ आएगा वन प्लस कॉस का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। अब इसकी जगह लगानी है हमें आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है आपको, यहाँ लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको लगानी है। तो यहाँ तो है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ है वन प्लस टू इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, वैसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो टू वन का क्या होता है टू ही रहता है, कोई चेंज आने वाला नहीं, अपॉन क्या है यहाँ वन का स्क्वायर कर दो या वन लिख दो, तो वन लिखो वन लिखो फर्क नहीं पड़ता है, और वन का स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा आपके वन ही आएगा। अब देखो
डिवाइड में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ के आगे आपके साइन थीटा। रूल्स है कि इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये तो हमने इन दोनों का लिखा है, अब बचा हुआ है ये वाला वैल्यू प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ क्या है आपके साइन थीटा। अब ये इसके पीछे तो कॉस दे रखा है लेकिन इनके पीछे कॉस नहीं है तो इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा आपके 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन ये दे रखा है 1 प्लस कॉस, बाकी से हम लिखेंगे कुछ चेंज नहीं करना है आपको, 2 इसमें भी और इसमें भी है तो 2 के आगे आपके कॉमन आ गया। तो अब 2 का डिवाइड करेंगे पहले इसमें 1 टाइम, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आया आपके कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और क्या आया आपके साइन थीटा। ये और ये कट गया, डिवाइड गया आपके 1 टाइम, 2 का 2 साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, ईयरली एग्जाम में आपके आने के चांस रहते हैं इसके। इसमें आपको चैप्टर नंबर 2 की तरह क्या करना है, आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये तो क्वेश्चन है। अब ऐसा कैसे करते हैं, ये जो नंबर प्लस का दे रखा है तो इधर क्या आना चाहिए, नंबर माइनस का होना चाहिए तब जाके, जैसे हमने क्वेश्चन जैसे हम चैप्टर में 2 में किया था वैसे ही। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ रूट लगाना है और ये है प्लस का, हमें क्या करेंगे यहाँ दोनों तरफ क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी और 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी। अब यहाँ पर तो क्या होगा कि दोनों बिल्कुल सेम है, ये और ये क्या होगा बिल्कुल सेम, तो यहाँ आएगा आपके 1 माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बार प्लस में और एक बार क्या है माइनस में, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर मतलब 1 × 1 ही आएगा, बी स्क्वायर मतलब साइन टू साइन साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या आएगा आपके स्क्वायर रूट। जब तक दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते, जैसे यहाँ पर देखो होल स्क्वायर है तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ प्रॉब्लम है, जब तक दोनों मिलाकर मतलब होल स्क्वायर नहीं आ जाता तब तक स्क्वायर रूट नहीं हटता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर वाले का वही रखेंगे सेम, कुछ चेंज नहीं करना है आपको। इसका मतलब क्या होता है, 1 में से साइन माइनस करते क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा आता है और यहाँ लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब अगर आपने रूट हटाया तो स्क्वायर भी आपके हट जाएगा, जैसे हम यहाँ रूट हटाते हैं तो ये स्क्वायर भी आपके हट जाता है, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम 11 की तरह ही है, बस एक स्टेप ज्यादा है, बाकी क्वेश्चन बाकी सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, अब हम क्या रेशनलाइज करेंगे, वैसे कैसे करते हैं मल्टीप्लाई लिखेंगे रूट लिखेंगे और देखो यहाँ है माइनस का तो हम यहाँ क्या लेंगे दोनों ही प्लस लेंगे, तो यह आएगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। अब जैसे ही दोनों मल्टीप्लाई करते हैं देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम हो गया, तो क्या आएगा ऊपर तो हमेशा सेम रहेगा, तो ये होगा sec थीटा प्लस 1 का पूरा पूरा ब्रैकेट सेम आ गया। अब यहाँ पर क्या है एक बार आया है प्लस में और एक बार आया है तो क्या होगा sec इंटू sec sec स्क्वायर थीटा और 1 × 1 1 और प्लस माइनस माइनस। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो या फॉर्मूला लगा दो आइडेंटिटी लगा दो एक ही बात है। अब ऊपर क्या होगा देखो ध्यान देना, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक ऊपर वाला सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ ऊपर लिखना है आपको sec थीटा प्लस 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ sec स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला लिखा रखा है इसका मतलब होता है आपके tan स्क्वायर थीटा। जैसे रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएंगे, तो अब हमारा आंसर क्या होगा sec थीटा माइनस प्लस 1
अपॉन क्या आ गया आपके टेन थीटा। ये तो हम क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ तक ही किया था। अब 12 में क्या थोड़ा सा एक स्टेप आगे है आपके, आपको ये आंसर लेकर क्या था ध्यान देना, ये जो 10 है ना, ये 10 इसका भी है, याद देख लो पहले, ये 10 इसका भी है और ये 10 इसका भी है, तो इसके साथ भी ये लेंगे, इसके साथ भी ये लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपके sec थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन cot, कितना क्या नाम है टेन थीटा। ये जो टेन इसके साथ लेना और इसके साथ लेना, बीच में प्लस होता प्लस लगा देंगे, माइनस हो तो माइनस लगा देना। अब सेक का मतलब क्या होता है, अब यहाँ इसको मैं ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ और सेक का मतलब लिख रहा हूँ, सेक का मतलब क्या होता है वन बाई कॉस, और टेन का मतलब क्या होता है आपके साइन बाई कॉस। अब टेन का उल्टा क्या होता है, ये जो होता है टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, साइन कॉस से कॉस क्या हो गया आपके कैंसिल, वन बाई साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट थट है ही है, ये तो आ गया आंसर। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं ना तो कॉस तो कैंसिल हो गया लेकिन वन बाई साइन लिखा हुआ है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपके कॉसेक थीटा। तो या तो क्वेश्चन यहाँ तक पूछेंगे या अगर ये नहीं आ रहा है यहाँ तक आने के बाद, तो इसका मतलब यही है कि इस वैल्यू को आपको यहाँ भी रखना है इसके साथ भी लेना है, तो हम अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे ऐसे। 13 क्वेश्चन देर का है, सॉल्व करना है और ये वैल्यू लेके आना है, तो सिंपल ये देखो ध्यान देना, यहाँ रूट रूट लगा देंगे और कोसेक ये लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, कोसेक माइनस वन, अभी पहले फॉर्म में लिखवाया था मैंने, कोसेक माइनस वन का मतलब होता है आपके कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया आपके यहाँ पर कोसेक थीटा। अब अगर रूट हटा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या आएगा बताओ कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अब बताओ कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो रतन टेन का उसका उल्टा, और कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, वन अपॉन साइन थीटा, साइन टू साइन क्या हो गया है कैंसिल, तो जो आंसर आया है वो क्या आया आपके कॉस थीटा, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 14 देर का है, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू कितना लेना है आपको 2 लेके आना है, तो पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और ये ध्यान रखना है ज़्यादातर को आपको क्या करना है साइन कॉस में क्या करना है चेंज करना है, हर बार यही करना है क्वेश्चन में, वन का वन कॉट का मतलब अभी लिखवाया था मैंने, कॉट का मतलब क्या था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वही फॉर्मूले हैं जो एक बार लिखवा रखे, उसके अलावा नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, कोसेक मतलब अभी लिखवाया था मैंने यहाँ पर वन अपॉन साइन थीटा, वन का वन, टेन का मतलब क्या होता है जो कॉट का उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा आपके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक का मतलब होता है कॉस का उल्टा मतलब वन बाई कॉस थीटा। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम एलसीएम लेंगे, हम अब लेना है आपको एलसीएम, तो यहाँ ध्यान देना हम यहाँ क्या एलसीएम लेंगे, तो क्या एलसीएम आ रहा है साइन थीटा आ रहा है, कुछ ही है ना आपस मल्टीप्लाई कर दो, साइन बन जा साइन थीटा प्लस साइन टू साइन कैंसिल, तो ये दोनों सेम है, ऊपर वाले भी क्या आएंगे सेम आएंगे कॉस थीटा माइनस वन। अब यहाँ हम क्या लेंगे यहाँ पर कॉस थीटा क्या लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम, इसकी तरह सेम करना है, कॉस बन जा कॉस थीटा प्लस ये दोनों सेम, तो ऊपर वाले भी क्या आएंगे सेम आएंगे साइन थीटा प्लस वन। अब यहाँ ध्यान देना हमें इसको मान लेना है ए और इसको मान लेना है आपको बी, ये है ए और ये है आपके बी, मतलब यहाँ जो है वो यहाँ पर भी है, जो यहाँ वन है वो यहाँ पर भी है, इन दोनों बीच में एक बार आ रहा है माइनस और इन दोनों बीच में एक बार क्या आ रहा है प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला इसका स्क्वायर करना है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या करते हैं यहाँ पर हम होल स्क्वायर, वन का क्या हो जाएगा वन अपॉन क्या आ जाएगा आपके साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपके कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें लगानी आइडेंटिटी वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वन, तो क्या आएगा आपके ए स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर, जो ये लिखा हुआ था इसको हमने ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है, पीछे क्या लिखा हुआ है माइनस का माइनस वन का स्क्वायर वन अपॉन क्या आ गया आपके यहाँ पर साइन थीटा और क्या आ गया आपके कॉस थीटा।
इन दोनों का जो वैल्यू है वो कितना होता है? वन वन है आप, ये और ये मिलकर क्या बन जाता है? वन वन है आपके प्लस का और वन ही है आपके, तो ये दोनों मिलकर वन बनते हैं, वन से वन क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब केवल ये बचा है, इसमें देखो ये वाला इससे क्या हो गया है? कैंसिल। तो हमारा जो आंसर बचा वो क्या आया? टू। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।